बाल की खाल उतारेंगे और बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे और हंड्रेड परसेंट तक जाएंगे बने रहिएगा मेरे साथ और खूब अच्छे से देखिएगा वीडियो को बिना स्किप करें और आपका कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रेस कीजिए आइकन पे ऑल ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप सभी तैयार हैं पढ़ने के लिए बोलो हाँ ना खूब अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक बात जीरो से सीखते चलेंगे और मजा ही आ जाएगा कॉन्सेप्ट पढ़ के और प्रैक्टिस और आपके कहने पर क्योंकि मुझसे एम एस एम एस ने कहा था और ज्योति मेहरा ने कहा था कि मैम मुझे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भेज दीजिएगा तो मैंने अपना काम कर दिया है पीडीएफ भेज दी है और उम्मीद कर रही हूँ आपने सॉल्व भी कर ली होगी और आपको सब काफ़ी हद तक चीज़ें समझ भी आई होंगी राइट तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एडजेक्टिव क्लॉज रहने वाला है तो जैसे कि आप नाम को समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या है तो मैं समझाने का प्रयास करती हूँ बहुत थिंपल, सिंपल सिंपल बात थे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है पहले इसके बारे में और आप जानते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मैं आपको जो तैयार करती हूँ वो बेसिक तैयार करती हूँ आपका फाउंडेशन आपके कॉन्सेप्ट ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों तो सबसे पहले जो मेरा एक मेन फर्स्ट जो भाई क्या कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज को ही बाइफर्केट करना है तो जब आपको कहीं पे भी क्लॉज दिखा मिल जाए ना और इस क्लॉज का मतलब समझना है तो मैं सिंपल भाषा में समझा देती हूँ आज क्लॉज का मतलब होता है एक सेंटेंस क्लॉज का मतलब होता है सेंटेंस सेंटेंस मतलब आप जानते हैं वाक्य होता है सेंटेंस मतलब आप सभी जानते हैं एक वाक्य की बात कर रही है, है ना ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव की बट एडजेक्टिव की बात करने से पहले मुझको बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है वह है नाउन की जब भी हम बात करते हैं नाउन की देखो पर, कल की क्लास में जब सॉरी जब मैंने वन ऑफ द पढ़ाया था तब भी आपको आया और यहाँ पर अब पढ़ा रही हूँ नाउन तो यहाँ आ जाएगा देखो यहाँ पर जब नाउन की हम बात करें तो हम जानते हैं नाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और नाउन हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ये बात तो पढ़ा चुकी हूँ बोलो है ना नाउन मेरा सब्जेक्ट हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सकता है फिर हमने पढ़ा जो हमारा सब्जेक्ट है वो डूअर होगा जो काम कर रहा है या फिर बिंग डिस्क्राइब होगा जिसके बारे में बात की जा रही है फिर हमने जो ऑब्जेक्ट पढ़ा इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया कि जब कोई वर्ब मुझको वट का रिप्लाई दे या कोई वर्ब मुझको हूं का रिप्लाई दे वट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ वट का मतलब हिंदी होती है क्या और हु मतलब होता है किसको है ना अगर इसका क्या दे दे रिप्लाई तो वो मेरा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर हमने एक चीज़ और छोटी सी यहाँ पर जो मुझे बतानी थी आपको जब नाउन की बात करेंगे तो नाउन का सिंपल सिंपल आप ध्यान रखिएगा नेमिंग वर्ड्स इस दुनिया में जितने भी कोई भी चीज़ है उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी ज़रूर है उसकी कोई ना कोई अपने आप में पहचान जरूर है उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर है और अगर जो भी उसका नाम है वही हमारा क्या है नाउन है तो नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स आइडेंटिटी पहचान नाम इस दुनिया में जैसे इसका नाम मार्कर है स्वेटर है आपकी क्या कहते हैं वॉच है स्पेक्स है एनीथिंग एल्स व्हाइट बोर्ड है मार्कर है जो भी चीज़ आपकी इस दुनिया में है उसका कोई ना कोई नाम है तो वो नाउन है यहाँ तक क्लियर है और नाउन हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है सब्जेक्ट मतलब डूअर जो काम कर रहा है बिंग डिस्के जिसके बारे में बात की जा रही है वह बटिया होम का रिप्लाई दे तो वो ऑब्जेक्ट होता है अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट मैं बताने वाली हूँ वो बेसिक बात है जब आप हाउ देखें हाउ की हिंदी होती है कैसे अब ये हमारा दो रिप्लाई देता है बेटा जब भी हाउ की बात करें तो ये दो रिप्लाई देता है है ना हाउ हमारा कभी कभी तो क्या बन जाएगा एडजेक्टिव हाउ हमारा कभी कभी तो एडजेक्टिव बनता है और कभी कभी एडवर्ब बनता है अब सभी के मन में ये डाउट क्लियर करना चाहती हूँ पहले एडवर्ब का फिर पॉइंट पे आऊँगी तो मैं फोर्थ पॉइंट अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ ठीक है ये मैं पढ़ा चुकी हूँ वैसे बेसिक में फिर भी यहाँ पढ़ा रही हूँ अगर कोई वर्ब मुझको वट का या होम का रिप्लाई ना दे तो मेरा क्या हो जाता है एडवर्ब होता है जैसे वाई का रिप्लाई दे दे वैन का रिप्लाई दे दे हाउ का रिप्लाई दे दे ठीक है वेयर का रिप्लाई दे दे इस तरीके से तो जब हमारा वर्ब वटिया होम का रिप्लाई नहीं देता तो वह एडवर्ब होता है तो यहाँ पर हाउ भी है ना इस वजह से कन्फ्यूज़न होता है लोगों को तो जब आपसे पूछा जाए कि नाउन कैसा है नाउन कैसा है तो ये बात क्लियर होगी कि हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की तो हाउ का रिप्लाई क्या देगा एडजेक्टिव पर जब हमने पूछा वर्ब कैसा है जब हमने पूछा वर्ब कैसा है है ना तो वो हमारा रिप्लाई क्या होगा एडवर्ब होगा इसके एग्जाम्पल्स हम लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो पाए तो यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल लेने का प्रयास करती हूँ और समझाने का बहुत सिंपल सिंपल अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स और मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं भाई विद्यार्थी कैसे हैं इंटेलिजेंट हैं तो भाई स्टूडेंट्स नाम है ना कोई ना कोई नाउन है और इस नाउन की अच्छाई बुरा यह बता रहा है कि कैसे हैं इंटेलिजेंट हैं तो ये हमारा क्या है एक एडजेक्टिव है बोलो है ना पर जैसे ही मैंने लिखा ही वॉक्स स्लोली है ना तो अब वो चलता है वॉक्स ही के अकॉर्डिंग ऐसे यस लग गया अब ये वर्ब है कैसे चलता है है ना तो यहाँ पर ये किसका रिप्लाई दे रहा है हाउ का तो यहाँ पर ये क्या है एक एडवर्ब है तो जब कभी भी नाउन की अच्छा या बुराई बताएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव है हाउ का रिप्लाई देगा यहाँ पर भी ये हाउ का ही रिप्लाई दे रहा है कि भाई स्टूडेंट्स कैसे हैं तो यहाँ पर ये क्या है इंटेलिजेंट है वो चलता कैसे है धीरे चलता है यहां पर हिंदी में भी अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं मैंने क्या बोलने का प्रयास किया स्टूडेंट्स कैसे हैं तो ये बोल रहा है स्टूडेंट्स कैसे हैं इंटेलिजेंट ठीक है Intelligent. और यहां पर क्या बोला वो चलता कैसे है तो कैसे चलता है धीरे स्लोली तो यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर ये यह नाउन है कैसे किसका रिप्लाई हाउ का तो कैसे है भाई इंटेलिजेंट है तो यहाँ पर अब यहाँ पर है चलता यहाँ पर ये यह जो वॉक्स है यहाँ पर ये यह क्या है एक वर्ब है और ये किसका रिप्लाई दे रहा है कैसे चलते हैं जल्दी बोलो धीरे तो एडजेक्टिव है तो यहाँ पर एक बात समझ आ रही है ये कैसे है ना हाउ तो दोनों ही केस में हाउ है बट नाउ अगर कैसा है बता दे तो एडजेक्टिव है अगर बोले वर्ब कैसा है तो एडवर्ब है तो हाउ हमारा एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आप सभी से ठीक है अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या होता है एडजेक्टिव क्लॉज को ऑब्जेक्टिव क्लॉज नाम क्यों दिया गया ये सब आपको जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी समझ आता चला जाएगा राइट अब हम थोड़ा सा अगर आगे बात कर लें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एड्जेक्टिव क्लॉज के बारे में कि क्या होता है तो मैं लिख लेती हूँ जो सब्जेक्ट के बारे में जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे तो जो भाई सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा वो हमारा क्या है एडजेक्टिव क्लॉज है देखिएगा फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ पहले मैं बेसिकली दोबारा से समझाती हूँ कि क्या मैंने बोला जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे जो किसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में क्या दे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वही मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है क्लॉज का मतलब होता है कि वाक्य सेंटेंस नाउन मतलब सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स आइडेंटिटी पहचान नाउ सब्जेक्ट डूअर जो काम कर रहा है बिग डिस्क्राइब जिसके बारे में बात की जा रही है ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब बचिया हूं का रिप्लाई दे ऑब्जेक्ट है और अगर कोई वर्ब बचा हूं का रिप्लाई नहीं दे तो एडवर्ब है जैसे वाई का वेन का हाउ का वेयर का हाउ कैसे हिंदी होती है हाउ अगर नाउन कैसा है तो एडजेक्टिव है वर्ब कैसा है तो एडवोव है स्टूडेंट्स कैसे हैं इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट स्टूडेंट कैसे हैं इंटेलिजेंट कि वर्क स्लोली वो कैसे चलता है धीरे वो चलता कैसे है या कैसे चलता है तो धीरे चलता है क्लियर है ये बात समझ आ रहा है है ना तो यहाँ पर ये यह रख कर देती हूँ अब स्पेस नहीं है बेटा तो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं पहले अब यहाँ पर अगर आप देखें जनरली जो हमने वन ऑफ द के कन्सेप्ट में भी पढ़ा था कि जनरली अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस कैसे बनता है बेटा जनरली जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा जाता है तो हम जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है यही हमने पढ़ा है जनरली सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट आता है वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है ठीक है बट जब एडजेक्टिव क्लॉज का कॉन्सेप्ट लिखा जाता है जब हम एडजेक्टिव क्लॉज लिखते हैं तो उसकी पोजीशन कहाँ होगी ये समझते हैं तो पहले आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा फिर आपका एडजेक्टिव क्लॉज आता है क्या आता है एडजेक्टिव क्लॉज और उसके बारे में है ना क्योंकि यहाँ पर ये यह हमारा सब्जेक्ट है ठीक है और ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में क्या दी जा रही है एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सब्जेक्ट के बारे में क्या extra extra दी जा रही है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फो दिया जा रहा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सब्जेक्ट के बारे में अब सब्जेक्ट आता है तो फिर आगे वर्ब आएगा फिर वर्ब आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है आप जानते हैं ना सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है और नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई कौन बताता है एडजेक्टिव बताता है और ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाता है अभी स्पेस नहीं है मैं भी आपको थोड़ा सा और आगे क्लियर करूँगी बट मैं चाहूँगी पहले आप इसका स्क्रीन लें तो देखिएगा यहाँ पर एडजेक्टिव क्लाज क्या होता है बेटा जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे एडजेक्टिव क्लास क्या होता है जो सब्जेक्ट के बारे में क्या दे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो आपका क्या है एडजेक्टिव क्लॉज और आप देखिएगा सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो देता है वो एडजेक्टिव क्लॉज है ये यहाँ पर है ठीक है ये क्लॉज मतलब एक सेंटेंस है और सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है और नाउन और प्रोनाउन की अच्छा या बोला कौन बताएगा एडजेक्टिव और एक सेंटेंस है इसलिए इसे एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाता है मैं आपको ना एक और बात क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर ठीक है थोड़ा सा डिटेल हो जाएगी ये बट मैं फिर भी बता देती हूँ क्योंकि मुझे दुर्गपाल ने बोला था कि मैम थोड़ा डिटेल में पढ़ाओ आप अच्छा पढ़ाती हूँ तो मैं यहाँ पर ना आपको एक फ़र्क बता देती हूँ आज एक एग्जाम्पल लेके एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या डिफरेंस है ठीक है जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा था इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ठीक है जी तो आप यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे हैं इंटेलिजेंट तो यहाँ पर यहाँ का रिप्लाई दे रहा है मतलब ये क्या है एडजेक्टिव है क्योंकि ये बता रहा है नाउन कैसा है राइट right? अब यहां पर मैंने लिखा स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट तो यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स क्या है आपका सब्जेक्ट है अब स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट हैं तो यहां पर टेलिजेंट तक ये क्या है हमारा सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसलिए हमारा क्या है एडजेक्टिव क्लॉज क्योंकि सेंटेंस है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए हुआ है और स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं आर और इंटेलिजेंट तो सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस है ठीक है और सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या जो इंटेलिजेंट है तो स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसलिए क्या है एडजेक्टिव क्लॉज है तो यहां पर ये यह फर्क समझ आया होगा मैं उम्मीद कर रही हूं यहां तक है ना बहुत अच्छे से कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है तो चलो अब एक एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करते हैं और फिर मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगी इस पे बेस्ड राइट तो देखिएगा द बॉय आप जानते हैं द क्या है आर्टिकल है फिलहाल के लिए इतना समझ लो द क्या है आर्टिकल है बॉय क्या है आपका नाउन है ठीक है तो ये द बॉय आपका कंप्लीट क्या हो गया एक सब्जेक्ट अब इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या हाँ एक छोटी सी बात रह गई बेटा सॉरी मैं यहां पर पहले इसे कंप्लीट कर लेती हूं फिर क्या रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन हमारे तीन तरीके के होंगे बेटा जब भी बात करेंगे किसकी रिलेटिव प्रोनाउन की तो ये तीन तरीके से होते हैं अगर आपकी ह्यूमन की बात करेंगे या फिर आपके नॉन ह्यूमन की बात करें या फिर हम बोथ की बात करें तो अगर ह्यूमन के लिए बात की जाए तो हु आता है अगर नॉन ह्यूमन की बात की जाए तो विच आता है और अगर बोथ दोनों के लिए ह्यूमन के लिए या नॉन ह्यूमन के लिए आप लगाना चाहें तो आप दैट लगा सकते हैं तो यहां पर आप देखिएगा द बॉय जो लिखा गया है ये क्या है बेटा एक ह्यूमन है बोलो हाय ना और ह्यूमन के लिए क्या आएगा जल्दी बोलो विच नहीं आ सकता क्या आएगा हु आएगा ठीक है अब लड़का है ठीक है क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब कौन सा लड़का मुझे क्या पता तो उसने इस लड़के के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दी देखो हु मनी जिसने पैसे चुराए थे Who stole द मनी देखो यहां पर द बॉय है ये सब्जेक्ट के बारे में कौन सा लड़का जिसने स्टोल किए थे मनी को पैसे को चुराया था स्टोल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी वर्ब है और ये यह हमारा सब्जेक्ट हो गया बोलो है ना ठीक है और स्टोल किए थे क्या स्टोल किए थे मनी वर्ट का रिप्लाई दे रहा है तो ये मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया ठीक तो है तो सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है है तो ये पूरा अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस और नाउन की इच्छा या बुरा एक बताता है है ना इसलिए यहां पर यह मेरा क्या बन गया एडजेक्टिव क्लॉज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है है ना क्या इंफॉर्मेशन कि उस लड़के ने लड़के के बारे में बता रहा है जिसने पैसे चुराए थे अब सब्जेक्ट आ गया एडजेक्टिव क्लॉज आ गया अब बॉय कैसा है सब्जेक्ट है क्लियर है ह्यूमन है कैसा है सिंगुलर सब्जेक्ट है और अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए सिंगुलर आनी चाहिए इसलिए एस वाली वर्ब आई है देखो यहाँ पर ये यह जो वर्ब आई है यहाँ पर ये यह कैसी आई है वर्ब के साथ ऐसे आई एस, एस वाली वर्ब है मतलब यहाँ पर जो वर्ब है वो कैसी है सिंगुलर है क्लियर है यहाँ तक अफकॉट पकड़ा गया था की थर्ड फॉर्म है क्योंकि आर या वर्क के बाद अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की फैमिली के बाद वर्ड दिखते तो पैसिव है खुद नहीं पकड़ा गया किसी और के द्वारा किसके द्वारा पुलिस के द्वारा बाय द पुलिस है ना पैसिव वाइज है क्योंकि किसी और के द्वारा काम किया जा रहा है हम काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको कि द आर्टिकल है बॉय नाउन है द आर्टिकल है बॉय नाउन है तो द बॉय सब्जेक्ट है सब्जेक्ट कैसा है ह्यूमन है ह्यूमन के लिए क्या आता है जल्दी बोलो हो आता है तो विच कैसे दे दिया गलत है हो आना चाहिए हमेशा मोस्टली गलती यहाँ से दे देता है आपको या फिर इस वर्ब से गलती दे, दे देता है अब बॉय कैसा है सिंगुलर है एक की बात हो रही है है ना नाउन देखो ऐसे एस नहीं आ रहा पढ़ाया था ना आपको वन ऑफ द के कॉन्सेप्ट में नाउन के साथ ऐसे एस लगने पर नाउन प्लूरल बनता है बॉयज गर्ल्स टीचर्स ठीक है अब बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई कि जिसने पैसे चुराए थे वो लड़का वॉस कॉट बाय द पुलिस पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था ठीक है अब यहाँ पर एक बात अगर आपको क्लियर कर दूँ पहले वर्ब यहाँ पर लिख दूँ तो स्टील होता है पैसे चुराना फिर स्टोल होता है और फिर स्टोलन होता है और फिर स्टीलिंग होता है और फिर स्टील तो पैसे चुराने को बोलते स्टील स्टोल स्टोलन, स्टीलिंग स्टील ठीक है और कॉट पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा कैच कॉट कॉट कैचिंग कैचेस ठीक है जी स्टील मतलब चोरी करना कॉट मतलब पकड़े जाना अब यहां पर एक छोटी सी बात देखें इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकती थी बिना एडजेक्टिव क्लॉज के देखो एक बार द बॉय वॉस कॉट बाय द पुलिस तो यहां पर आप देखिएगा ध्यान दीजिएगा द बॉय सब्जेक्ट है ठीक है वॉस सब्जेक्ट भाई कैसा था सिंगुलर था इसलिए वर्ब हमारी कैसी आई है सिंगुलर आई है राइट अब यहाँ पर क्या है वर्ब थर्ड है मेन काम क्या किया गया पकड़ा गया ना ये मेन वर्ब है आपकी ठीक है तो और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है तो द बॉय वॉज कॉट पकड़ा गया किसके द्वारा बाय द पुलिस ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं द बॉय वॉज कॉट बाय द पुलिस ये सेंटेंस भी अपने आप में करेक्ट है गलत नहीं है बट यहाँ पर, पर मुझको इस बॉय के बारे में क्या कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई क्या कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन सा बॉय पकड़ा गया यह नहीं पता बट ये पता है एक लड़के को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है तो जब यहाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई तो मैंने एडजेक्टिव क्लॉज लगाया ही नहीं ठीक है अदरवाइज स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इस बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई बट आपको सेंटेंस को ज़्यादा क्लियर करना हो जब सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो जब सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो तब हम क्या लगाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज लगाते हैं फिर सब्जेक्ट आता है फिर एडजेक्टिव क्लॉज आता है फिर सब्जेक्ट के लिए वर्ब आती है यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में पहले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिर ये अब सब्जेक्ट हो गया फिर ये वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट आता है तो यहां पर जो जनरली स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है सब्जेक्ट फिर एडजेक्टिव क्लॉज फिर इस सब्जेक्ट के लिए ही क्या आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लॉज में डिफरेंस बता चुकी हूँ है ना जब सब्जेक्ट के बारे में क्या दे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्यों बोलते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट है ये नाउन है अब इस नाउन को ही द बॉय रिलेट हु किसको कर रहा है इस ये हु बता रहा है द बॉय के लिए आया है तो रिलेट कर रहा है और नाउन को दोबारा रिपीट नहीं करते प्रोनाउन लेके आते हैं पता है ये बात है ना अलीशा की जगह दोबारा क्या बोलूँ आई आपकी जगह यू हमारी जगह वी इस तरीके से यहाँ पर प्रोनाउन आ गया ये तो भाई नाउन की जगह पर प्रोनाउन आ गया और ये हु किसको रेफर कर रहा है बॉय को इसलिए इसका नाम क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है इसका नाम एडजेक्टिव क्लॉज क्यों क्योंकि ये क्लॉज है एक सेंटेंस है वाक्य है देखो सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है कि जिसने चुराए थे क्या पैसे तो वर्ब है ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है सेंटेंस है और ये सब्जेक्ट नाउन है और नाउन के की अच्छा या बुराई प्रोनाउन की कौन एडजेक्टिव बताएगा इसलिए इसका नाम क्या पड़ा एडजेक्टिव क्लॉज उम्मीद कर रही हूं यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर चीजें क्लियर हो गई तो अच्छी बात है है ना एक बार स्क्रीन लो फिर मैं आगे आपको थोड़े से क्वेश्चन और कराऊँगी क्योंकि अभी जब तक क्वेश्चन देखो मैंने क्या बोला कि आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं उतरेंगे आपका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का और मैंने तो कहा है कि मैं पढ़ाऊँगी थोड़ा है ना हमारी जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी बट तो मेरा जो फोकस रहने वाला है वो क्वालिटी पे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या पढ़ा रहे हैं मुझको वो पढ़ाना है जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखें और आपसे क्वेश्चन हों और आपको वो जो खुशी होगी ना वो मेरे को चाहिए अभी मैं पढ़ाऊँ और तुम खुश हो जाओ वो खुशी नहीं चाहिए जब एग्ज़ाम में जाएँ और एग्जाम में चीज़ें आती हुई मिलेंगी तो वहां जो खुशी होगी उसका कोई कंपेरिजन नहीं है शायद शब्दों में बता ही नहीं सकते कि क्या मतलब उसके मायने होते हैं और आप सभी बहुत टाइम से तैयारी कर भी रहे होंगे और अगर अच्छा लग रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप स्टडीज़ ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर और स्टूडेंट का कर्तव्य ज़रूर निभाया कर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आए और एक बार फटाफट से स्क्रीन लो सो so, आप सभी को पता है जैसे कि हमने यहाँ पर क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने अभी दो क्वेश्चन लिखे हैं अभी आगे और भी कराऊंगी बेफिक्र रहिएगा बस मेरा मेन उद्देश्य है कि आप इसकी कहानी समझ लें कि क्या है देखो इसके ना क्वेश्चन मुझे मिले नहीं थे बट आपको पता हो कि दो में जितने भी एग्जाम हुए ना सब में ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है तो इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रही हूँ और जितना आसानी से समझा पाऊँ मैंने कोई भी टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है और आप मुझसे पूछते हैं ना ग्रामर कहाँ से पढ़े जो मैं नोट्स तैयार करा रही हूँ बेटा अगर ये नोट्स आप नोटबुक में बनाते जा रहे हैं और इसके काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा मैं दिखाऊंगी आपको ओरिजिनल पेपर में भी और आपको पता है संडे आने वाला है तो टेस्ट होने वाला है सत्ताईस तारीख को आप सभी का रेडी रहिएगा सत्ताईस तारीख को टेस्ट के लिए दूसरी बात ये कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ ना ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है एग्ज़ाम में है। और आपके हाथों में जो नोटबुक बन के तैयार होगी वो होगी दुनिया की सबसे बेहतरीन नोटबुक तो बेफिक्र रहिएगा और यहाँ पर आराम आराम से सुनिएगा कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा अब है लिखा है मिस्टर वर्मा ठीक है मिस्टर वर्मा आप जानते हैं क्या है एक सब्जेक्ट है बिल्कुल है ठीक है कैसा है सिंगुलर है अब सब्जेक्ट है क्लियर है सिंगुलर है ये भी क्लियर है ये क्या है बेटा एक ह्यूमन है राइट क्या है ह्यूमन है अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मिस्टर वर्मा जो है तो ठीक लिखा है अब मिस्टर वर्मा के बारे में एक्शन इन्फॉर्मेशन क्या जो मेरे घर के पास रहते हैं जो मेरे घर के पास लिव है तो लिव्स कर दोगे बिल्कुल ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं बट यहाँ पर जो एक रिलेटिव उन्होंने गायब कर दिया वो है हो है ना जो मेरे घर के पास रहते हैं फिर मिस्टर वर्मा कौन मिस्टर वर्मा कौन से हु लिव्स नियर माय हाउस जो रहते हैं सब्जेक्ट है लिव्स वर्ब है और कहाँ रहते हैं नियर माई हाउस मेरे घर के पास रहते हैं तो मिस्टर वर्मा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई कौन से मिस्टर वर्मा जो मेरे घर के पास रहते हैं ठीक है तो ऑब्जेक्टिव क्लास और मिस्टर वर्मा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है इस वजह से यहाँ पर इज वर्ब कैसी है एस है वर्ब कैसी है जल्दी बोलो मेरे बच्चों सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है जिसके साथ एसिया ई एस आता है तो भाई मिस्टर वर्मा के लिए ही क्या आया है ये इज आया है क्लियर है मेरी बात तो भाई मिस्टर वर्मा के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी कि जो मेरे घर के पास रहते हैं इज एडमिटेड इनको क्या किया गया है एडमिटेड किया गया है टू द हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है तो मिस्टर वर्मा ऐसे बोल सकते हो मिस्टर वर्मा इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल कहा गया है या फिर बोलो मिस्टर वर्मा हुई हाउस तो यहाँ पर भाई सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई एक दूसरी बात बताती हूँ यहाँ पर इस सेंटेंस को ना या तो हु लिव्स नियर माई हाउस बोल लो या फिर आप ना एक्टिव वॉइस में जब भी रहता है ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आप फ्रेस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेस के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे आप क्या लगा दीजिए v1 वन प्लस आई लगा दीजिए मेन वर्ब नहीं मेन वर्ब तब होता है बेटा जब इजा आर के बाद आई आती है मेन वर्ब कोई तब होती है जब इस एम या आर आपको दे रखा है उसके बाद आई एन जी है तभी तो ये क्या कहलाएगी मेन वर्ब है ना अगर इजम आर नहीं है तो भाई आई एन जी नहीं हो सकती जो मेन वर्ब नहीं हो सकती जैसे मैं सेंटेंस को अगर लिखना चाहती तो मैं ऐसे लिख देती मिस्टर वर्मा लिविंग है ना नियर माई हाउस ठीक है एज एडमिटेड टू हॉस्पिटल तो यहाँ पर आप देखिएगा भाई मैंने क्या लिख दिया लिविंग नियर माय हाउस जो मेरे घर के पास रहते हैं तो यहाँ पर मैंने फ्रेज का इस्तेमाल किया क्या इजाम आर दिख रहा है नहीं दिख रहा जब इजाम आर नहीं है तो वो मेरी क्या नहीं होगी भाई जब इजाम आर ही नहीं है तो ये वर्ब मेरी आईन नहीं हो सकती है ध्यान रखिएगा ठीक है तो ये क्या है मेरा बेटा एक फ्रेज है क्या है ये आई जी एक फ्रेज है ये बात क्लियर है जब आर नहीं है तो मेन तो नहीं हो सकती है मेन वर्ब नहीं हो सकती है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिस्टर वर्मा लिविंग नियर माय हाउस इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इस मिस्टर वर्मा के लिए ही आगे क्या है? आया है इज आया है ठीक है क्लियर है चलो आगे बनाते हैं सेंटेंस को फिर द पियन आर्टिकल है पी नाउन है ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया क्लियर है सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है बिल्कुल क्लियर है पीएन क्या है बेटा ह्यूमन है और ह्यूमन के लिए विच कब से आने लगा ह्यूमन के लिए क्या आएगा आएगा अब पीएन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है पीएन कौन सा भाई हु वर्क इन द ऑफिस जो ऑफिस में काम करता है पीएन कौन सा जो ऑफिस में काम करता है वो पीएन की बात हो रही है तो पीएन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी गई जो ऑफिस में काम करता है है ना घर वाला भी हो सकता था बट यहाँ पे बात हो रही है जो ऑफिस में अब पीएन सब्जेक्ट है कैसा है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हमारी जो वर्ब आई है वो कैसी आई है सिंगुलर आई है और आप जानते हैं ये वर्ब किस लिए आई है इस पीएन के लिए ये वर्ब आई है क्लियर है मेरी बात है ना जो पंक्चुअल भी है मतलब समय पर आता है और जेंटल है पोलाइट है खुश मिजाज है तो आप इन दोनों सेंटेंसेस में एक बात देख पा रहे हैं पहले सब्जेक्ट आया था सब्जेक्ट दोनों में सिंगुलर है ह्यूमन की बात हो रही है ह्यूमन के लिए हु आता है बच्चा ठीक है अब यहाँ मिस्टर वर्मा सिंगुलर है ना लिफ्स आ गया हु के अकॉर्डिंग यहाँ पियन सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्क्स आ गया देख लो ऐसा लगा हुआ है है ना ठीक है क्लियर है तीन बात अब मिस्टर वर्मा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई जो मेरे घर के पास रहते हैं वो वाले मिस्टर वर्मा पीएम कौन सा जो हमारे ऑफिस में काम करता है ठीक है तो मिस्टर वर्मा एडमिटेड हो गए हॉस्पिटल में कर दिया गया और जो पीएन है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई जो ऑफिस में काम करता है इज पंक्चुअल एंड जेंटल जो पंक्चुअल है मतलब समय पर आता है ऑन टाइम आता है और जेंटल है पोलाइट है तो मैं उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको समझ आ रहा होगा कि मैम बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके आ रही है एक अलग अंदाज़ में मैं आपको पढ़ा रही हूँ और ग्रामर सेशन भी उम्मीद कर रही हूँ उतना ही पसंद आ रहा होगा जितना आपने मेरे वक़ात सेशन को पसंद किया है तो उम्मीद करती हूँ अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार इसका स्क्रीन लीजिएगा बेटा तो चलिए देखिए मैंने कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से एरर आता है किस ने तरीके से और जो भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो मैं आपको दूंगी और इस पर बेस्ड मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी क्वेश्चंस की ताकि आपका जो प्रैक्टिस है और मजबूत हो सके राइट तो देखिएगा यहाँ पर द ऑफिसर्स आर्टिकल है ऑफिसर्स एस लग रहा है, है ना बेटा कैसा है सब्जेक्ट है बिल्कुल है कैसा है प्लूरल है एक से ज़्यादा की बात हो रही है और ह्यूमन की बात हुई है तो ह्यूमन के लिए क्या आया है ह्यू आया है बिल्कुल ठीक है है ना यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी अब ऑफिसर्स कौन से हु वर्क इन दिस डिपार्टमेंट जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो हु वर्क इन दिस डिपार्टमेंट ऑफिसर्स प्लूरल है तो यहाँ पर देखिए वर्ब भी कैसे आई ये प्लूरल आई है क्योंकि तो हु किसके लिए आया है इस ऑफिसर्स के लिए आया है तो यहाँ पर जो वर्क आएगा वो ऑफिसर्स के लिए आता है क्लियर है अब ऑफिसर्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस सब्जेक्ट के बारे में तो ये हमारा क्या है एडजेक्टिव क्लॉज है पता है ना क्योंकि सेंटेंस हु वर्क करते हैं कहां पर इन दिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं अब ऑफिसर्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं ठीक है भाई ठीक है यहाँ तक कोई गलती ही नहीं है अब लिखा है ऑफिसर्स के लिए ही बेटा क्या आया होगा वर्ब आई है है ना तो यहाँ पे दे कैसे दे दिया तो भाई ऑफिसर्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि हु वर्क इन दिस डिपार्टमेंट और फिर क्या आता है हमारा वर्ब आता है ना और वर्ब कैसा आएगा प्लूरल आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं आर क्वाइट इरीटेटिंग है जो थोड़ा सा परेशान करते रहते हैं तो यहाँ पर हमारी जो गलतियाँ निकलती है या तो who विच दैट से निकलती है या फिर यहाँ पर कोई वर्ब की गलती देता है या कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कर देता है राइट तो यहाँ पर क्लियर हो रही है बातें समझ आई होंगी आगे चलते हैं राहुल लिख सकते हैं सब्जेक्ट है राहुल कैसा है सिंगुलर है बिल्कुल है राहुल क्या है ह्यूमन है बिल्कुल है अब इसके लिए क्या आया है हु आया है बिल्कुल राहुल कौन हु इज़ माई फ्रेंड जो मेरा दोस्त है तो राहुल सिंगलर था इज आया है ठीक है अब राहुल हु इज़ माई फ्रेंड राहुल जो मेरा दोस्त है राहुल है ना हु किसके लिए राहुल के लिए प्रोनाउन है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन बोलो ना। है ना ठीक है राहुल सिंगलर है इसलिए ऐसा वाली वह वाई है ठीक है बेटा अब राहुल हु इज़ है ना कौन जो मेरा फ्रेंड है तो यहाँ पर राहुल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई राहुल कौन है जो मेरा दोस्त है राहुल कौन है जो मेरा दोस्त है अब राहुल अब राहुल के लिए राहुल आया यहाँ पर सब्जेक्ट एडजेक्टिव क्लास तो इसके बारे में जो आगे वर्ब आएगी वो ये रही ठीक है इज एस बैठा है वर्ब कैसी है सिंगुलर है तो यहाँ पर ये ही एक्स्ट्रा दे दिया गया तो राहुल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि राहुल जो मेरा दोस्त है इज गुड लुकिंग वाई वो एक अच्छा दिखने में है ना पर्सनैलिटी अच्छी है उसकी तो ये भी बोल सकती हूँ राहुल इज़ गुड लुकिंग बॉय बोल सकती हूँ बट राहुल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन राहुल जो मेरा दोस्त है वो गुड लुकिंग बॉय है क्लियर है बात अब यहाँ लिखा है द प्रॉब्लम्स द प्रॉब्लम्स है ऐसे ये सब्जेक्ट है क्लियर है सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल है ठीक है बेटा ये ह्यूमन है नॉन ह्यूमन है बिल्कुल नॉन ह्यूमन की बात कर रहे हैं अब जब प्रॉब्लम्स प्लूरल है तो यहाँ पर जो वर्ब है ये प्लूरल नहीं आएगी ना और दूसरी बात जब हम प्रॉब्लम के बारे में कौन सी प्रॉब्लम्स जो अराइज होती हैं है ना इन द सोसाइटी सोसाइटी के अंदर तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम्स के लिए क्या आना चाहिए विच आना चाहिए बोलो है ना क्या आना चाहिए बेटा विच आना चाहिए है ना तो विच और यहाँ से अराइज हटना चाहिए कि प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम विच अराइज इन द सोसाइटी जो समाज में उत्पन्न होती रहती है फिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स के लिए ही हमारी वर्ब आई है क्या सीम और ये वॉक कैसी है प्लूरल है क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही थी वो किसकी हो रही प्रॉब्लम्स नाउन प्लूरल तो प्रॉब्लम्स कौन सी जो अराइज होती है सोसाइटी में सेम डिफिकल्ट टू सॉल्व दिखने में कैसी होती है सॉल्व करने मुश्किल होती है देखो यहाँ पर द वॉच लिखा है द मतलब आर्टिकल है वॉच आपका नाउन है तो यहाँ पर ये यह हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया वॉच सिंगुलर है मतलब एक ही बात हो रही है तो यहाँ पर कोई भी एस या ई एस नहीं लगा है क्योंकि तो हम जानते हैं किसी भी नाउन के साथ एस या एस लगने पर वो नाउन प्लूरल बन जाता है तो वॉच यहाँ पर सिंगुलर है अब वॉच जो है आपका क्या है नॉन ह्यूमन है और जब हम नॉन ह्यूमन की बात करेंगे तो वहाँ पर वट का इस्तेमाल नहीं करते किसका इस्तेमाल करते हैं विच का और यहाँ पर लिखा है जो तुमने मुझको दी थी वो वाली घड़ी की बात हो रही है द वॉच वट यू गेव मी तो वट नहीं आएगा विच विच यू गेव मी तो यहाँ पर वॉच के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सी घड़ी जो तुमने मुझको दी थी कौन सी घड़ी जो तुमने मुझको दी थी तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है वॉच यहाँ पर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी सिंगुलर होगी ये बात आप जानते हैं आने वाली वर्ब कैसी होगी सिंगुलर होगी ऐस बैठा है क्लियर है Not working मतलब काम नहीं कर रही है आप ऐसे भी बोल सकते हो द वॉच इज नॉट वर्किंग काम नहीं कर रही है या आप ऐसे बोलिए द वॉच वट यू गेव मी तो वट नहीं आएगा विच आएगा द वॉच विच यू गेव मी इज नॉट वर्किंग काम नहीं कर रही है एडजेक्टिव क्लॉज से आज हमको एक बात तो क्लियर हो गई कि जब हम जनरली सेंटेंस बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है पर जब मैं एडजेक्टिव क्लॉज लगाती हूँ तो सेंटेंस की क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे आपको यहाँ क्लियर हो रहा है ऑफिसर्स कौन से जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं राहुल कौन जो मेरा दोस्त है प्रॉब्लम्स कैसी जो सोसाइटी में अराइज़ होती है वॉच कौन सी जो तुमने मुझको दी थी और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पर एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा एडजेक्टिव क्लॉज का मैं उम्मीद कर रही हूँ चीज़ें समझ आई होंगी अभी क्लास एंड नहीं हुई है मैं इसका एक शॉर्ट रिविजन कराऊंगी सिनॉपसिस के रूप में पहले इसका स्क्रीन ले लीजिए एक बार चलिएगा देखते हैं हम इसका एक शॉर्ट नोट बना लेते हैं लेट सम बोल सकते हैं आप इसको या फिर आप शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं या आप सिनॉपिस बोल सकते हैं जो चाहें तो हमने देखा जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है उसके अंदर अगर हम जनरली स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट आता है वर्ब आता है ऑब्जेक्ट आता है पर जब एडजेक्टिव क्लॉज के स्ट्रक्चर के लिखने की बारी आती है तो आप पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर इस सब्जेक्ट के बारे में आप एडजेक्टिव क्लॉज बताते हैं मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिर उसके बाद वर्ब आती है और फिर आपका क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है तो गलती कहाँ से देगा यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट के बाद जो आप ऑबजेक्टिव क्लॉज लिखते हो यहाँ पर गलती रिलेटिव प्रोनाउन से दे सकता है रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब आप जानते हैं या तो गलती देगा हो से या गलती देगा विच से या गलती देगा दैट से ठीक है पहली गलती दूसरी बात सब्जेक्ट आपने लिखा फिर यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया हो विच दैट की बात कर रही हूँ इसके बाद जो आपका इस ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन ही कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है सब्जेक्ट होता है क्योंकि सब्जेक्ट के लिए आया होता है प्रोनाउन है ना इस नाउन के लिए जो भी यहाँ पर यूज होता है अब ये हमारा अपने बाद वर्ब लेता है वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूर तो वर्ब प्लूरल दूसरी गलती यहाँ से दे देगा ठीक है और ये रही आपकी पहली गलती और ये रही दूसरी गलती दूसरा स्टार या फिर आपकी गलती कहाँ से देगा देखो सब्जेक्ट आएगा फिर आपका यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज आएगा फिर इसके बाद जो वर्ब आएगी मतलब जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है गलती यहाँ से दे सकता है ठीक है या फिर लास्ट जो है आपका देखिएगा सब्जेक्ट दे रखा है फिर आपका एडजेक्टिव क्लॉज रहता है और इसके बाद आपका कोई सब्जेक्ट है और कोई वर्ब है तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक कुछ जानबूझकर है ना लगा देगा जिससे गलती हो जाएगी तो यही आपका एडजेक्टिव क्लॉज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है जो भाई सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होता है तो ये चार पॉइंट्स हमको ध्यान रखने हैं जो हमारे किसके लिए ज़रूरी है एग्जाम रेलिवेंट है ठीक है और एग्ज़ाम में यही आपको ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम को अपने क्वेश्चंस को टारगेट करना है और इस पे बेस्ड मैं आपको पीडीएफ के क्वेश्चंस भेज दूँगी ठीक है आज ही इवनिंग तक ठीक है कहाँ पर टेलीग्राम चैनल इट्स अ टाइम इंग्लिश विद अलीशा मैम वाले पर तो टुडेज क्लास स्टिल हियर वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर हैव अ साउंड डे